सो लंडन होंडा के पास काफी सारी वैरायटी है भाई, सारी की सारी सेल के लिए है क्या गाड़ियां ये? हाँ, ये कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए पल के साथ, क्योंकि ना आज यार दीपक भाई के साथ ना मैं मतलब जाने वाला हूँ बाय बस, जो लंदन में ट्रांजिट के लिए चलती है ना बसेज यहाँ पे लोकल रूट पे, उसमें ना आज सफर करने वाले हैं। और जो उसका रीजन ये है कि आज दीपक भाई की जो कार है ना यार, वो हमने सर्विस के लिए दी हुई थी आज, जो उसके 1000 किलोमीटर है ना कंप्लीट हो गए थे न्यू कार के, तो आज फर्स्ट सर्विस के लिए गाड़ी गई हुई थी। तो हमने ना वहाँ तो गाड़ी सुबह छोड़ दी थी, बट वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई। और जब वापसी में आ गए थे तो उन्होंने हमें राइड दी थी हमें, तो हमें घर पे ड्रॉप कर दिया था। बट अभी जो इवनिंग का टाइम हो चुका है, मतलब 4 बज गए अराउंड, और बस हमारी आ चुकी है। तो यार बस में चलते हैं, पहले यही बस आनी है भाजी? नहीं, ये हमारी बस नहीं है, ये हमारी बस नहीं है। सो हमारा नंबर कितना है भाजी? 15। सो 15 नंबर बस में अभी हमने जाना है, 4:25 पे आएगी। तो अभी थोड़ा सा मेरे 2-4 मिनट बचे थे, तो मैंने कहा यार वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। और अभी हमने कनेक्टिंग बस पकड़ी थी, क्योंकि दीपक भाई अपनी जगह से आ रहे थे तो मैं अपने लोकेशन पे था, तो दोनों मतलब एक ही जगह पे हम मिले। और अभी यहाँ पे हम दोनों इकट्ठे हो चुके हैं और अभी बस बस की वेट कर रहे हैं, और अभी ना आगे की तरफ निकलते हैं। पर जी आप बता रहे थे 90 मिनट का क्या सीन होता है मतलब बसेस में? इधर आपने एक बार $3 की टिकट ले लो, लाइक जैसे हमारे इंडिया में टिकट्स होती हैं। हाँ हाँ। तो वो टिकट आप 90 मिनट तक पूरे लंदन में कहीं भी घूम सकते। क्या बात है, पूरे इंडिया में, इंडिया नहीं मतलब यार पूरे लंदन सिटी में है ना, कनाडा की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब खैर ये लंदन सिटी की बात हो रही है। हर जगह का अलग रूल होता है ना, हर प्रोविंस का ऐसा एक आपको मिल जाता है। हाँ, ये इस तरह की ना स्लिप मिलती है, मैंने वीडियो में वो क्लिप में भी छोटा सा आपको दिखा दिया, जैसे कि जैसे हम बैठे थे ना, तो ये 90 मिनट तक वैलिड होती है। तो जितना मर्जी आप मतलब इसमें इन सिटी कर सकते हो ना अपना ट्रैवल, जहाँ भी आपको जाना है कहीं भी, जैसे ही आपके 90 मिनट ओवर हुए पाजी, उसके बाद अगर तो बस वाला हुआ काइंड, हाँ तो वो तो आपको कह देगा चल चढ़ जाओ, कोई चक्कर चढ़ जाओ कोई गल नहीं, तो फिर दोबारा से $3 लगेंगे, दोबारा $3 पहनगे मतलब जी अपने मोटे मोटे ला लो जी, ₹200 अपना फिर से लग जाएगा, 180 के अराउंड है नहीं। और ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा मतलब कोऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है, पर आप उस चीज को लेके नहीं चलते हैं, हम चलते हैं 90 मिनट में। जैसे अगर आपका कोई जाने और आने का काम है ना, तो वो कंप्लीट हो सकता है, अगर आपने किसी जगह पे जाना है और वहाँ पे थोड़ी देर में आपने वापस आ जाना, तो वो दी बेस्ट है। तो चलते हैं यार एक बार गाड़ी लेने चलते हैं, और बस का भी थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ, बने रहो। तो ये यहाँ पे ना इसका इस तरह के बस स्टॉप होते हैं, और वहाँ से हमारी बस जो है आ रही है, तो अभी चलते हैं लंदन होंडा। थैंक यू। तो पाजी मतलब अभी आप ना फोन पे चेक कर रहे थे, इसकी कोई ऐप वगैरह है क्या चेक करने की? नहीं, एप्लीकेशन तो कोई नहीं है, जैसे गूगल मैप होता है ना हमारा, ये हाँ। आपने क्या करना है कि गूगल मैप पे आपने जहाँ भी जाना डेस्टिनेशन डाल के डायरेक्शन में जाके आपने बस को क्लिक कर देना, बस तो बस का रूट आपको सारा दिखा देगा गूगल मैप, कि बस नंबर है या जहाँ जहाँ पे भी आपके स्टॉप कोई कनेक्टिंग होगी कुछ होगा सब पता लग जाएगा। सही है, तो ये भी सिस्टम सही है, मतलब गूगल मैप्स में आपने डाल देना है। और वैसे तो यार पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं ना अक्सर, तो मैं भी भाई के साथ ही रहता हूँ, जितने टाइम हूँ भाई के साथ ही घूम फिर रहा हूँ, तो सिटी डोर वैसे ही हो रहा है। किसी ने उतर वहाँ पे आ रहा है स्टॉप रिक्वेस्टेड, किसी ने यहाँ से स्टॉप की, ओके ओके, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है ना रिक्वेस्टेड, मतलब बटन यहाँ से किसी ने या तो इसको पुल किया होगा या फिर कोई बटन प्रेस किया होगा, अगला डोर है एक्चुअली आगे चढ़ने के लिए होता बेसिकली। एक बार आप अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि आगे से वो अच्छा उस टाइम उधर भी रहते मतलब चढ़ भी रहते कुछ बस लोग, कुछ बस ड्राइवर अलाउ कर देते हैं। अच्छा, अदरवाइज चढ़ते आगे से और उधर से पीछे से। हाँ सेम है वो, तो चेतन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ना, जैसे ये तो सिंगल बस है, ऐसी डबल बसेस जो कनेक्टेड बसेस होती है ना वो भी चलती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। डबल मतलब ट्रेलर लगे पीछे, ट्रेलर लगा होते हैं ऐसी एक और जुड़ी होती है, लंबी है मतलब जितना बाई ट्रेन वर्गी, वो स्ट्रीट कार कहते हैं, स्ट्रीट कार ट्रैम्स बोलते हैं। हाँ ट्रैम्स का होते हैं, हमें ट्रैम्स बोल देते हैं यहाँ पे, दुबई में भी चलते हैं ट्रैम्स में, वहाँ पे बड़ी स्लो मूविंग होती है पर बढ़िया है, पूरे लंदन सिटी में कहीं भी घूम सकते हो। और $3 में, अभी तो 90 मिनट तक है टाइम, अपा ने तो नोट किया था ना भाई, अपा कितने बजे चले थे? 4:05 पे है ना, हाँ पहली अपनी फ्लाइट 4:05 की थी। तो इधर ना यार मतलब जो अंदर जाने से मतलब यार क्या चलते हैं, इधर ना सिर्फ यार मतलब कॉइन ही चलते हैं, नोट वगैरह आप लेके अंदर नहीं कर सकते, या तो आपको पहले ही टिकट की परचेज करनी पड़ती है। कहाँ से टिकट वगैरह कहाँ से मिल जाती है इसके अलग से परचेज करनी है? तो ये जैसे कन्वीनियंट स्टोर होते हैं या ग्रोसरी स्टोर है, लाइक रेक्सस है, वो सामने शॉपर्स वगैरह वहाँ से मिल सकती है आपको। ओके,
वहाँ पे आपको $4 सस्ती पड़ती है टिकट। अच्छा वहाँ पे $4 सस्ती पड़ती है, अगर मतलब एडवांस में लेके रख लेते हो ना। अच्छा तो उधर $4 सस्ती पैंती है, अगर आप उधरों लवेंगे तो इधर फिर $15 की पानी पैनी है, उधर $11 की पानी पैनी है। मतलब इकट्ठी लेके रख लेते हैं टिकट। मैं इकट्ठी लेती हूँ पहले। अच्छा मैं नवा नवा आया था जो पिंडो नवे नवे आए तो वेखियां कारा कोठियां कारा नहीं पिंडो नवे नवे आए थे बस बस वही 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 है ना। तो किधर जाना आपा आपा गलत जाके देखते। अच्छा मैंने उधर गलत बटन दबा दिया क्या? कोई नहीं बटन दबाने में क्या है, मैं जरा इधर से मैप दिखा रहा हूं। ठीक है था मैप जाके समझ आएगा ये यार क्या दिखा रहा है किनो मैप नो मैप की कहता है। चलो लाइट हो गया तो अभी जा रहे हैं लंदन होंडा और वहाँ से अपनी गाड़ी को करते हैं पिक और पता नहीं यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे। अच्छा दिख गया 500 मीटर अवे फ्रॉम हेयर तो जा रहे हैं पैदल पैदल। भाई मेरे को तो पहले भाई ने बहुत दौड़ा दिया, मतलब मेरे जो स्टॉप से ना मेरी लोकेशन से जो स्टॉप था वो बहुत दूर था, मतलब बहुत दूर भी नहीं 500 मीटर होगा भाजी यानी 500 मीटर दूर था। तो अरे प्रॉब्लम क्या थी, मैं 4 बजे निकला और भाई कह रहा 4:05 पे पहुँचना है तो भाई मैं दौड़ दौड़ के गया, गले ही बैठ गया मेरा, मतलब अभी तो बहुत दिनों से दौड़ा नहीं गया, सैर हो जाएगी है ना, बहुत दिन से सैर ही नहीं की थी तो वो भी सिस्टम सही हो गया और दौड़ लिए। यहाँ पे स्टोर वगैरह भी है ना, यहाँ से ना फार्मेसी स्टोर भी है और ग्रोसरी स्टोर भी होगा ये। तो फार्मेसी स्टोर भी है और ग्रोसरी स्टोर भी है, मतलब फार्मेसी भी दवाइयाँ भी ले सकते हो, ओवर द काउंटर वाली भी मिल जाती होंगी और दूसरी भी काउंटर वाली ही मिलती है आपको, अदरवाइज प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलेंगे आपको, वो इनके पास ही मिल जाती है प्रिस्क्रिप्शन वाली, वो डॉक्टर इनको डायरेक्ट सेंड करते हैं, वो डायरेक्टर करें डॉक्टर वाली भी मिल जाएगी और दूसरी भी मिल जाएगी, मतलब ऐसे स्टोर्स होते हैं उनके उधर लिखा होता है फार्मेसी तो उनके पास ही दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं। और अपना कोटा हमने बेसिक तो यार घर से ही चंडीगढ़ से है ना इंडिया से वहीं से ले लिया था क्योंकि सही रहता है यार, मतलब बेसिक चीज़ें सिर दर्द कमर दर्द बैक दर्द ये सो सारे लड़ना सारे जितने भी दर्द हैं जो भाई कहते कहते जितने भी शरीर दे अंग है ना कल कल अंग की दवाई लियाई ऊपर ले जड़े अपन पता है ना ओवर द काउंटर वाली तो वो चीज़ तो ले ही ली थी है ना कि भाई कोई पता नहीं होता टाइम का। तो इस तरीके से और अभी बस होंडा पहुंचते हैं और गाड़ी पिक करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, बने रहो। यो मैम। अच्छा होमलेस थे। अच्छा मैं कह रहा सामान है कि है होमलेस वाले तो कार्ड चक चक के फिरते होंगे। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਵੇਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਹੋਮਲੈਸ ਜੋ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੋ ਚਲਤੇ ਆ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਰੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਟਾਰ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਯਾਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਰਾ ਹੋਂਡਾ। ਸੋ ਲੰਡਨ ਹੋਂਡਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੀ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗਾੜੀਆਂ ਇਹ? ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿਕਸ ਹੈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ ਸੰਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੈਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਤਨੀ ਤੋਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਸੀਟ अच्छा जिधर पर टैग नहीं लगा ना। ओके ओके जिधर पर टैग नहीं लगा हुआ लाइक है ना, नहीं तो इसके ऊपर मॉडल नंबर लिखा होता है, मॉडल नंबर है तो वो पुरानी है, पुरानी 2023 मॉडल भाजी, पुरानी है बिल्कुल लेटेस्ट। हां 2023 में ली और 2023 में ही बेच दी, कमाल है। अल तक 5 महीने हुए हैं सर, कितनी की पुरानी होगी 2023 मुझे अगर एंड की होगी तब भी 23 लिख देंगे। हां जैसे 2022 चाहिए सच्चे लोग है ना, नहीं 2022 अगर एंड होया फिर 22 बेचेंगे है ना। ये बिग्गी भाजी गाड़ी सोल्ड है, ये तो लंदन होंडा पहुंच चुके हैं और अभी जाके अपनी गाड़ी कलेक्ट करते हैं पिक करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तेरा ये यहीं से हमने गैरेज से एंटर की थी ना गाड़ी सुबह, ऑटोमेटिक ओपन द डोर। तो सर्विस डन हो गई है और गाड़ी इन्होंने यहीं पे कहीं पे पार्क की हुई है। अच्छा ये रही ये गाड़ी हमारी पार्क की हुई है यहाँ पे और उन्होंने हमें पेपर वर्क दे दिए तो माया शाया आपा देती है बेसिक सी जो होती है।
गाड़ी पिक होगी है, और जो छोटा सा मैंने आपको लंदन सिटी का टूर तो नहीं, मतलब जो बस की इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है, और कैसे यहाँ पे ट्रांजिट चलते हैं बस के, है ना, और क्या यहाँ पे चार्जेस होते हैं, और छोटी सी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ना, जो भी मेरी रूटीन में था तो मैंने आपको दिखाया। और अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं यार, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेक श्योर रहे कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आने वाली वीडियोज आप तक जरूर पहले पहुंचे, तो उसके लिए बेल आइकन को दबा दें, और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।